सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगी। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे खुश हैं और दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आज का पंचांग 16 मार्च 2020 दिन सोमवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 3 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 11:12 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:42 से 9:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 16 मार्च 2020 दिन सोमवार। अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं और नए कनेक्शन भी बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने का मजा लें। आपका आकर्षण इस समय चरम सीमा पर है। आपके माता पिता या भाई बहन आपको अपनी आपके ध्यान या कंफर्ट की आवश्यकता हो सकती है। आपका करिश्मा ऐसा है कि आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं। अभी बनाए गए संबंध हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। काम और करियर के बारे में निर्णय लेने के लिए यह समय उचित नहीं है। जीवन में आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल सकता है, किंतु इसके लिए दूसरे लोगों की भी मदद करें। परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के साथ भोजन का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य तथा यात्रा का योग है। माता पिता का आशीर्वाद तथा माता पिता के सहयोग से किसी कार्य को सफल बनाया जा सकता है। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न होना फलदायक हो सकता है। आज किस्मत का पहिया आपकी ओर घूमने का दिन है। जिन अवसरों का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वे आपको अचानक मिल सकती है। आपके लिए आज कई तरह से सफलता और लाभ के मौके बनेंगे। काम के दबाव में संभवतः आपको कुछ सेहत संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सावधानियां, खुद को तनावयुक्त महसूस करेंगे। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा। अचल संपत्ति में विवाद होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से वाद विवाद हो सकता है, इससे बचें। लव लाइफ की बात करें तो इस समय भाग्य आपके साथ है, इसलिए आपको सफलता के साथ साथ नई पहचान भी मिलेगी। आपका साथी आपके आकर्षण और करिश्मे का दीवाना है। किसी क्लब या समूह का हिस्सा बनकर नए दोस्त बनाएं। चोरी से बचने के लिए सफर के दौरान सामान का ध्यान रखें। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने में आपकी मदद कर सकता है। अपने परिवार के साथ विशेष रूप से अपनी साथी के साथ समय व्यतीत करें और उनसे अपनी इच्छाओं और रणनीतियों को साझा करें। करियर की बात करें तो आज समय है अपने लक को आजमाने और परिणामों का मजा लेने का। किसी क्लब में शामिल होना आपको लोगों के करीब लाएगा। समूह के प्रति वफादार रहने से न केवल समूह के अन्य सदस्य प्रेरित होते हैं बल्कि लक्ष्य प्राप्ति में भी सहयोग मिलता है। घरेलू मुसीबतों के लिए सचेत रहें।
आज आप अपने विशेष करिश्मे को महसूस करेंगे और नए दोस्त बनाने के लिए यह बेहतरीन समय है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल के लिए समय अच्छा नहीं है। सेहत की बात करें तो शरीर में कुछ बदलाव आने की वजह से आप थोड़ा डर सकते हैं और पाएंगे कि कुछ मांसपेशियों पर असर पड़ा है। यह सब आपके लापरवाही का कारण है। आज ही आप व्यायाम और अच्छा खाना शुरू करें, आप जल्द ही नयापन महसूस करेंगी। आज का उपाय, आज आप शिव मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को पैसे का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।